अच्छा जी, जो एंड्रू हेज का हम प्रोसेस यूज करते हैं, जो हमने इंस्टॉल किया था सेपरेटली अपने SPSS में, उसके साथ ये टेम्पलेट आती है, और ये टेम्पलेट में बहुत सारे इसने मॉडल दिए हुए हैं कि किस तरह का मॉडल आपका होगा तो किस तरह का एनालिसिस आपने करना है वो एक्चुअली इसमें बताता है। तो ये जैसे आप देख रहे हो मॉडल 1 लिखा हुआ है, और इसका कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ये है कि अगर आपने किसी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक मॉडरेटर चेक करना है तो आपको मॉडल 1 यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है, अगर वो कहता है 2 मॉडरेटर्स हैं और इकट्ठे देखना चाह रहे हो इनका इफेक्ट क्या है, तो फिर आपका मॉडल 2 आता है। ये हम नहीं यूज कर रहे। 3 को इस चीज को कहते हैं मॉडरेटेड मॉडरेशन, ये भी आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, मॉडरेटेड मॉडरेशन कहते हैं इसको, ये भी हमने फिलहाल नहीं पढ़ना। ये मॉडल 3 है। ये है मॉडल 4 जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये है सिंपल मीडिएशन के लिए। ये बाय डिफॉल्ट आपके मैक्रो प्रोसेस में आ रहा होता है, मॉडल 4 सिंपल मीडिएशन के लिए। इसके बाद एक क्विक नजर मैं आपको सिर्फ दिखा दूं कि बहुत सारे मॉडल्स के लिए इसने डिफरेंट टेबल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मॉडल नंबर 6 है, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल मीडिएशन। 2 मीडिएटर जब आ जाए तो मॉडल 6 लगता है, 2 मीडिएटर्स। मॉडल 6 3 मीडिएटर, या जितने भी मीडिएटर आप डालना चाहो। इस तरह ये आगे बहुत सारे मॉडल जिससे बनाए हैं, और 76 मॉडल्स बनते हैं। ठीक है, ये 76 मॉडल्स तक आपको जो है वो फैसिलिटेट करता है कि अगर आपने चेक करना है तो ये पॉसिबिलिटी है। हमने जो यूज करने हैं, हमने सिर्फ मॉडल 1 यूज करना है फिलहाल के लिए अपने लिए, ये वाला, ये अभी आज हम पढ़ेंगे, और मॉडल 4 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये वाला, ये मॉडल 4। मॉडल 1 एंड मॉडल 4 जो है वो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम ये मॉडल नंबर इसके ये लगाते हैं। ओके, अब अगर हम SPSS की शीट में जाते हैं, देखो इसको, इसकी जो मेन पर्पस है ना इसका, वो गौर से जरा समझना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि हम अभी जो करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम, जरा स्लाइड्स, हम एक्चुअली इसको स्टडी करेंगे कि हमारा जो क्रिएटिविटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनोवेशन डिपेंडेंट वेरिएबल है, और क्रिएटिव कल्चर हमारा मॉडरेटर है, और मॉडल 1 हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। अब जरा पहले थोड़ा सा इसको यहां समझ लेते हैं कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो उससे हमारा मतलब क्या होगा। हमारे पास 2 चीजें यहां समझने वाली हैं, इंटरेक्शन टर्म क्या होती है या इंटरेक्शन वेरिएबल क्या होता है, और दूसरा हमने इसके टेबल को पढ़ने का तरीका वो देखना है। इंटरेक्शन टर्म होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय मॉडरेटिंग वेरिएबल। अगर हमारे पास क्रिएटिविटी का जो भी लोगों ने आंसर दिया है, जो भी रिस्पॉन्सेस दिए हैं, वो हमारे पास हो, और इसी तरह हमारे पास मॉडरेटिंग के भी आंसर्स हों, तो उन दोनों आंसर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा इंट्रैक्शन टर्म बनता है या इंट्रैक्शन वेरिएबल बनता है।
ये बात किसको नहीं समझ आई या कोई बात जरा इससे पूछो, बिकॉज ये समझना जरूरी है। मुझे नहीं समझ आई। ठीक है, और किसी को? सर वो मल्टीप्लाई वाला एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई वाला रिपीट। अच्छा ऐसे करते हैं, हम एक्चुअली इस पे चलते हैं। ये वेरिएबल देख लिए हैं, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव कल्चर? ठीक यस सर, देख है, लिया है। ओके ओके। अगर हम यहां जाएं तो हमारे पास डेटा व्यू में, अगर मैं जाऊं, सॉरी ये तो वो फाइल ही दूसरी आ गई है, मैं एक सेकंड। एक्चुअली अभी हम मल्टीप्लाई करते भी हैं, देख लेते हैं। इसके कुछ आंसर्स आए होते हैं ना लेंथ में, इस तरह क्रिएटिविटी के, जो हमने मीन लिया था एंड में कंप्यूट किया था। और इसी तरह हमारे पास मॉडरेटिंग के भी कुछ आंसर्स लोगों के आए होते हैं, जो अभी इससे जरा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास कंप्यूटेड वेरिएबल्स आ गए, ये हमारे पास क्रिएटिविटी के आंसर्स आ गए, और ये हमारे पास कल्चर के आंसर्स आ गए। तो ये कल्चर का आंसर है और ये हमारे पास क्रिएटिविटी का आंसर है। ये भी इसी तरह, ये क्रिएटिविटी के कल्चर के हैं और ये क्रिएटिविटी के हैं। सॉरी ये सारा हाईलाइट हो जाता है। ये फिगर को इस फिगर से मल्टीप्लाई कर दूं ना, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां एक नया वेरिएबल बना दूं, तो उसको मैं कहूंगा इंट्रैक्शन वेरिएबल। एंड जब मुझे पूछेगा कि किस चीज का इंट्रैक्शन है, मैं बताऊंगा कल्चर एंड क्रिएटिविटी का इंट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि कल्चर एंड क्रिएटिविटी मेरे इंडिपेंडेंट एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल है। अब चलो एक दफा कर भी लेते हैं। मैं गया ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल्स, इसको मैंने क्रिएटिविटी और मल्टीप्लाई बाय क्रिएटिव कल्चर, और इसको मैं रख देता हूं इंटरैक्शन, इंटरैक्शन टर्म रख दिया, इंटरैक्शन रख, उसको मैं ओके करूंगा, तो ये मुझे एक नया वेरिएबल इसने बना दिया। ये देखें, इंट्रैक्शन वेरिएबल बना दिया। पता कैसे बनाया इसने? इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वेरिएबल बन गया। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई? ये हमने करना नहीं है, ये हमारे लिए सॉफ्टवेयर खुद ही कर रहा होगा, लेकिन बैकएंड पे क्या कर रहा है वो हमें समझ होनी चाहिए। हाँ जी, जी सर, अब समझ आ गई। सर हाँ जी। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई कंफ्यूजन हो किसी किस्म की? क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, एक तो ये चीज समझना जरूरी थी। अब एक और चीज जो समझना जरूरी है, जब हम बिफोर के उसको एनालिसिस करें, ये क्रिएटिव कल्चर है, इसका मॉडरेटिंग इफेक्ट है इसके रिलेशनशिप पे, यही मॉडरेटर का रोल होता है ना। अब ये मॉडरेशन एनालिसिस कैसे कर रहा है, ये मैं आपको बताता हूं कि ये क्या करता है। ये कहता है कि तीन लेवल्स पे आपको चेक करके ये बताता है रिलेशनशिप। तीन लेवल किसके? कल्चर के तीन लेवल्स पे आईबी और डीबी का क्या रिलेशनशिप होगा। मसलन क्रिएटिव कल्चर जब कम से कम होगा, देखो ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव कल्चर कम होता है, किसी में दरमियाना होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो ये क्या कहेगा कि आपके सैंपल में जहां क्रिएटिव कल्चर कम से कम था,
जहां क्रिएटिव कल्चर कम से कम था, वहां आईबी और डीवी का रिलेशनशिप क्या है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां प्रेजेंस उसकी एवरेज होगी, तो फिर इनका रिलेशनशिप को क्या फर्क पड़ता है? और ऐसा जो फुल प्रेजेंस होगी, मतलब मैक्सिमम प्रेजेंस होगी, वहां आईबी और डीवी के रिलेशनशिप को क्या फर्क पड़ता है? अब अगर हम ये वैल्यूज देखें ऊपर वाली, वो ये कहना चाह रहा है कि जब क्रिएटिव कल्चर, थोड़ा होगा, बस थोड़ा सा क्रिएटिव कल्चर होगा, तो आईबी का डीवी के साथ रिलेशनशिप का जो बीटा है या कोफिशियंट है वो ये है। सपोज कर लो, अभी हम उसमें एनालिसिस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। अगर एस कल्चर इसका बढ़ता है थोड़ा सा, एवरेज मतलब लो से जरा ज्यादा होता है, तो रिलेशनशिप ऑफ आईबी एंड डीवी ये हो जाता है। और जब ये बहुत ज्यादा कल्चर प्रेजेंट है, तो फिर आईबी डीवी का रिलेशनशिप ये बन जाता है। तो मुझे बताओ, ये कल्चर कम से ज्यादा होने में क्या असर आ रहा है रिलेशनशिप पे? सर उसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है ना सर, क्योंकि नंबर लार्ज हो जा रहा है। वेरी गुड। बाकी लोगों को ये बात समझ आई? क्योंकि ये बात समझ आ गई तो मॉडरेशन की कहानी खत्म हो जाएगी, बाकी सारी क्लिक्स ही हैं। हाँ जी, बाकी बच्चे बताओ। सर ये बात, लास्ट बात रिपीट करते हैं प्लीज। लास्ट बात रिपीट कर दो। हमने कहा कि प्लीज मुझे बताना, जहां समझ ना आए मुझे वहीं रोक लेना। हमने कहा कि जब आपने 250, 260, 270 लोगों से डेटा कलेक्ट किया ना, कुछ लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर बड़ा कम होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये थोड़ा एवरेज टाइप होगा, कुछ में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। अच्छा, उसने कहा जिन जगहों पे लीस्ट प्रेजेंस है ऑफ क्रिएटिव कल्चर, वहां आईबी और डीवी का रिलेशनशिप ये है, ये 0.7594। जिन ऑर्गेनाइजेशन में या जिन लोगों में या जिन जगहों पे एवरेज प्रेजेंस है मॉडरेटर की, वहां रिलेशनशिप ये है आईबी और डीवी का। और जहां प्रेजेंस फुल है, वहां आईबी डीवी का रिलेशनशिप ये है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं? वैल्यूज आ रही हैं कि कम कल्चर से जब ज्यादा, मतलब कम क्रिएटिव कल्चर से ज्यादा क्रिएटिव कल्चर की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो ये वैल्यूज में क्या ट्रेंड शो हो रहा है? तो यहां से लेके यहां तक वैल्यूज में क्या फर्क आया आपने देखा था? सर इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इससे पॉजिटिव इफेक्ट है ना सर, जी पॉजिटिव इफेक्ट है। और रिलेशनशिप में सर क्रिएटिव कल्चर मोर इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्रिएटिव कल्चर मॉडरेट कर रहा है रिलेशनशिप को। जी सर, यानी कि क्रिएटिव कल्चर जो है ना वो डायरेक्टली लिंक्ड है क्रिएटिविटी से। नहीं, डायरेक्टली लिंक कहेंगे तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी। हम कहेंगे कि इनके रिलेशनशिप को इंक्रीज, इसका होने ना होने से रिलेशनशिप को फर्क पड़ता जी सर समझ आ गई ये बात। है। अच्छा, किस बच्चे को अभी तक नहीं समझ आई? दो बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक समझ नहीं आई सही तरह। या नहीं है? दो बच्चे, सबको समझ आ गई? सर वो कश्यप कह रही थी, उसको आवाज ही नहीं आ रही, तो पता नहीं। तो रीज्वाइन तो नहीं कर रही फिर? बोलता हूँ सर, नहीं, वो क्लास में तो है अभी कुछ। अच्छा, पूछ लो, अगर आवाज नहीं आ रही तो वो दोबारा रीज्वाइन करेगी, उसको आवाज आ जाएगी। जी सर ओके। अच्छा, बाकी किसी को कोई मसला? इमरान, साजदैन,
नो सर, मतलब क्लियर है सर। क्लियर सर मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है उसमें, आप किसी कश्यप को दोबारा समझाएंगे तो मैं भी समझ लूंगा सर। अच्छा तो अभी क्यों नहीं समझना, मतलब सर सर ऐसे वो मैं दोनों रिपीट कर दूंगा, मुझे समझ आई है। जी आप एक्सप्लेन करो जरा, ये मैं वापस स्लाइड सर जा रहा हूँ आप ये कहना या चाह रहे हैं ना कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है ये दो वेरिएबल्स आ रही है, तो थर्ड वेरिएबल है ना ये, इनको इनके रिलेशनशिप को मॉडरेट कर रहे हैं, और जी इसकी प्रेजेंस से जो है पॉजिटिव ट्रेंड शो हो रहा है, इसका मीनिंग है ये मॉडरेट कर रहा है। जी ये यही कहना चाह रहे। ठीक है सर, फिर समझ आ गई। हाँ जी कश्यप बच्चे, आपको कहाँ तक समझ आई थी, कहाँ तक नहीं समझ आई थी? सर मेरी वो आवाज पता नहीं मुझे नहीं आ रही थी, तो फिर ये वाला पार्ट मैं रिकॉर्डेड देख लूंगी। अच्छा साइदेन तो आप पे तसल्ली रख के बैठा था कि आपको समझाऊंगा तो मुझे भी समझ आ जाएगी। अच्छा दोबारा एक दफा जरा सुन लो, हम चेक कर रहे हैं कि मॉडरेशन का क्या इफेक्ट होता है जब हम इसका एनालिसिस करते हैं। अभी एनालिसिस में जाएंगे तो हमें मजीद पता चल जाएगा। तो एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्रिएटिविटी का इनोवेशन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है विद द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिव कल्चर, बिकॉज क्रिएटिव कल्चर इसको मॉडरेट कर रहा है, इसके रिलेशनशिप। तो इसमें जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें वो तीन वैल्यूज देगा। तीन वैल्यूज क्या देगा कि जब आपका प्रेजेंस जो है क्रिएटिव कल्चर की वो लीस्ट होगी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें क्रिएटिव कल्चर की प्रेजेंस लीस्ट होगी वहां आईबी और डीबी का क्या रिलेशनशिप है। फिर वो बताएगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां एवरेज प्रेजेंस है क्रिएटिव कल्चर की वहां आईबी डीबी का क्या रिलेशनशिप है, और फिर वो बताएगा जहां फुल प्रेजेंस है इस क्रिएटिव कल्चर की वहां आईबी समझ डीबी का क्या रिलेशनशिप आ गई सर। है। तो अब जरा इधर देखो, अगर हमें वो इस तरह की चीज बताता है कि लीस्ट प्रेजेंस जब इसकी होगी तो आईबी डीबी का ये रिलेशनशिप है, एवरेज प्रेजेंस होगी क्रिएटिव कल्चर की तो ये रिलेशनशिप है, और जब फुल प्रेजेंस होगी तो ये रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड हम जो देख रहे हैं वैल्यूज वो इसकी प्रेजेंस प्रेजेंस इंक्रीज होने से वैल्यूज में क्या फर्क आ रहा है, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशंस देंगे हम, ये जरा पॉजिटिव साइड कश्यप मुझे समझा। पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है, जब फुल प्रेजेंस हो रही है तो उसमें वैल्यूज इंक्रीज हो रही है सर। क्रिएटिव कल्चर से आईबी और डीबी में पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है सर। जी हाँ जी कश्यप, सर इसमें फिर ये भी सर, जी सर ये जो वैल्यूज है प्रेजेंस की, जो वैल्यू है 0.75 और ये 1.08 वगैरह, ये फिक्स ये रहती हैं सर या ये चेंज होते हैं? चेंज होती है, जब भी आप एनालिसिस चेंज करोगे ये चेंज हो जाएंगी। सर जो इसमें ये भी मॉडल सर ये कह सकते हैं जो क्रिएटिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम ले सकते हैं लेके देखें, तो अगर वो कल्चर में थोड़ा सा है, वो कल्चर अगर है बिल्कुल कम है, तो उसमें इनोवेशन मतलब बेहतर हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। अगर जी बिल्कुल कल्चर अगर स्ट्रांग हो जिसमें क्रिएटिविटी कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, कल्चर बनता है, इन्वायरमेंट जो है अगर वो ज़्यादा हो तो इनोवेशन बेहतर हो सकता है, तो ये सिंपल ये हो जी सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, सही आप इंटरप्रेट कर रहे हो जी। कश्यप बच्चे आपको समझ आई है, फिर हम एनालिसिस की तरफ चलें, नहीं आई तो आप पूछ सकते हो दोबारा। यस सर आ गई। आ गई समझ? अच्छा ठीक है गुड, अब जरा का आ गया ये कहेगा मुझे भी समझा दे। सर ये एक सवाल है सर, जी सर आपने कहा क्रिएटिविटी जैसे इंक्रीज होगी तो इनोवेशन भी इंक्रीज होगी, मिसाल के मैंने तौर दोबारा पर दोबारा वर्डिंग मुझे बताएं इसको देखते हुए। सर क्रिएटिविटी का जैसे इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा तो इनोवेशन भी क्या नाम है इंक्रीज हो जाएगी, जी
सर मिसाल के तौर पर लीस्ट प्रेजेंट में आप कहते हैं कि 0.07 इंक्रीज होती है, एवरेज में भी 0.09 होती है, लेकिन जब फुल हम करते हैं तो नेगेटिव में जा सकती है ये? जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं। अभी हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप खुद देखोगे कि कैसा कैसा फर्क आता है, ऐसे ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना। ठीक सर। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन सर, सर जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के डायरेक्ट हम रिलेशनशिप जो फाइंड करते हैं आईबीटीवी का, उससे जी, वैल्यू कंपेयर नहीं करनी होगी नहीं कंपेयर नहीं करनी हो डायरेक्ट एक्चुअली। रिपोर्ट करें। अच्छा, आप जिस चीज की बात कर रहे हो ना, वो पुराना मेथड होता था, बैरन एंड कैनी मेथड कहते थे उसको। ठीक है सर, वो बैरन एंड कैनी मेथड में कंपेयर करते होते थे, उसमें इंटरेक्शन टर्म भी खुद बनानी होती थी और सारा कुछ खुद करना पड़ता था। इसमें ये मसला नहीं है, इसमें इसने बड़ा अच्छे तरीके से आपको खुद ही करके दे देता है। अभी अभी इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वापस इसकी तरफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, अब हम इसी को पहले तो लगा रहे हैं, अब समझ भी तो आ जाए ना हमें कि वहां कैसे चलता है। सो हम गए एनालाइज रिग्रेशन प्रोसेस बाय एंड्रयू हेस। इसको मैंने क्लिक किया, मैंने मॉडल नंबर कौन सा लगाना है? मॉडल वन लगाना है आपको। मॉडल वन लगाना है। ये बात किसको नहीं समझ आई? ये देखें हमारा मॉडल, और ये देखें इसने बताया हुआ है कि कौन सा मॉडल लगेगा। ये और ये सेम है ना? जी हाँ, तो मॉडल वन लगेगा। ठीक है? अच्छा, आपने आपका थोड़ा सा फर्क आएगा। आप ये ना समझना कि हमारा तो इस तरह का मॉडल नहीं लगता, तो हम मॉडल वन क्यों लगाएं। आप अपने मॉडल को ब्रेक कर लेंगे, अगर इसके आगे पीछे कोई वेरिएबल्स हैं तो आप अलग अलग करके उसको लगाएंगे। ये बात समझ आ गई ना? चलो इस पे बाद में बात करते हैं। बहरहाल, सबसे पहले हमने यहां मॉडल नंबर वन करना है। मॉडल नंबर वन हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमारा, इसको हम पहले जाके जरा इसके डिजिट्स छोटे कर लें, बिकॉज अदरवाइज हमें करने नहीं देगा वो। क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड कल्चर। एनालाइज रिग्रेशन एंड्रयू हेज प्रोसेस, एंड इसमें जाके अभी हमने क्या करना है? हमने किया जी, ये क्रिएटिविटी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनोवेशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां देखें जरा, इस तरह का एम वेरिएबल आएगा मॉडरेटर की जगह। एम वेरिएबल कहाँ है? ये एम वेरिएबल है। अच्छा जी, एम वेरिएबल की जगह हम कल्चर डाल देंगे। कुछ भी नहीं इसको करना, और बस इसको ओके कर देना है। अच्छा, मैंने अब गलती पता क्या की है, मैंने मॉडल फोर के साथ इसको रन कर दिया, तो उसने मीडिएशन समझ के लगा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गए। तो मॉडल वन किया, अब दोबारा ओके कर। अच्छा जी, क्योंकि मैंने इसी डेटा से एग्जांपल लेके वहां स्लाइड्स में लिखी हुई है, तो जरा वैल्यूज फिलहाल सेम होगी। अब देखें यहां से एनालिसिस शुरू कहता, मॉडल वन इनोवेशन वाई है, क्रिएटिविटी एक्स है, और कल्चर एम है। 250 का सैंपल यूज किया है, ये इसने कुछ थोड़े से एनालिसिस किए हैं। ये देखें जरा,
ये इसने कहा इंट्रैक्शन टर्म, इंट्रैक्शन वन, ये आप यहां चेक कर लें तो बेहतर है, ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं या नहीं है, ये सिग्निफिकेंट होना लाजमी है इंट्रैक्शन की। इंट्रैक्शन देखो उसने बता भी दिया क्या है, प्रोडक्ट टर्म की इंट्रैक्शन टर्म क्रिएटिविटी मल्टीप्लाई बाय कल्चर, ये भी हमने किया। अच्छा जी, इसको हम बाद में मजीद अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे। सबसे एंड में आ जाए कंडीशनल इफेक्ट ऑफ ये वाले पे, कंडीशनल इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई एट द वैल्यूज ऑफ द मॉडरेटर। इसमें जो पहली लाइन है ना ये वाली, ये इफेक्ट जो है ये लीस्ट इफेक्ट पे, लीस्ट प्रेजेंस पे, कल्चर की लीस्ट प्रेजेंस पे ये इफेक्ट है। अब एक और चीज समझो, अगर आपको समझ आ जाए तो उससे जरा और क्लैरिटी हो जाएगी। हमने जो लिकर्ट स्केल यूज किया था वो किस वैल्यू तक किया था? लिकर्ट स्केल जो हम क्वेश्चनर में यूज कर रहे थे वो किस तरह यूज कर रहे थे? 1, 2, 3, 4, 5 तक सर, 5 तक। अब इसने उस 5 में से चीजों की एवरेज ली है कि जहां कल्चर 2 प्रेजेंट है, 2.84 प्रेजेंट है और 3.64 प्रेजेंट है। आपके सैंपल में यही कल्चर के तीन लेवल्स उसने बनाए हैं एवरेज निकाल के, लीस्ट इफेक्ट, एवरेज इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट, प्रेजेंस, लीस्ट प्रेजेंस, एवरेज प्रेजेंस, मैक्सिमम प्रेजेंस। उस पे क्या इफेक्ट्स आते हैं वो ये हैं। एंड जरा इन तीनों इफेक्ट्स को मुझे देख के बताओ, आर दीज इफेक्ट सिग्निफिकेंट यहां से टी वैल्यूज और ये चीजें? सर जो पी की जो शो कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि सिग्निफिकेंट है। सर सिग्निफिकेंट सर लग नहीं रहा, कॉन्फिडेंटली लग रहा है। यस सर सिग्निफिकेंट है सर, कंफर्म तीनों सिग्निफिकेंट है। और ट्रेंड क्या आ रहा है? वही जो हमने एग्जांपल में पढ़ा है, जैसे जैसे कल्चर की प्रेजेंस इंक्रीज हो रही है, आईबी का डीवी पे इफेक्ट क्या हो रहा है? ये इफेक्ट देखना है, ये वाला, ये इफेक्ट बी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मॉडरेटर जो है ये रिलेशनशिप को मॉडरेट करता है। सर अगर यहाँ पे इफेक्ट डिक्रीज कर रहा होता वैल्यूज में, फिर हम कहते हैं कि वो नेगेटिवली असर कर रहा है, उसके होने से रिलेशनशिप वीक हो रहा है। अभी हम करते हैं, शायद किसी में आ जाएगा अभी। सर ये भी है कि मतलब एक लिमिट है कि कितने इंक्रीज करें, उससे ऊपर ना जाइए। नहीं कोई लिमिट, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट हो नहीं सकती लिमिट। अच्छा इसी की जगह अब हम ये करते हैं, दोबारा जरा एक एनालिसिस करते हैं इसी में। मैं सिर्फ मॉडरेटर अब चेंज कर रहा हूं, मैं मॉडरेटर रख रहा हूं फिलहाल, फॉर्मलाइजेशन रख देता हूं, ठीक है। ओहो ये तो करेगा नहीं एनालिसिस, क्योंकि आर्ट कैरेक्टर से फॉर्मलाइजेशन ज्यादा है। ये फॉर्मलाइजेशन के साथ उसने कर दिया। हमने देखा कि इंट्रैक्शन टर्म क्या है, ये आ गई, ठीक है, सिग्निफिकेंट है। अब जरा इसको देख के मुझे बताएं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सर सिग्निफिकेंट भी है और अगर इफेक्ट को देखा जाए तो वो इंक्रीज ही कर रहा, इंक्रीज ही कर रहा,
हाँ जी बाकी सर, जी इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग इफेक्ट है और सिग्निफिकेंस है। जी बाकी लोगों को समझ आ रही है हम क्या बातें कर रहे हैं? जी सर। अच्छा ठीक है गुड। अब ऐसे ही मॉडरेटर चेंज करते हैं और मॉडरेटर वैसे मैंने लगा दिया ऐसे ही परफॉर्मेंस को लगा रहा हूं फिलहाल। हाँ जी इसको देख के बताएं जरा, इसमें जरा एक और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बनेगी। सर इफेक्ट पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है एक सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं है, बाकी दो सिग्निफिकेंस वैल्यूज है। ठीक है अब इसको जरा सोचें कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन बनती है और बाकी लोग भी जरा इस पे गौर करें। इसमें इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है उससे भी पिछले वाले से भी। देखो वो ये कहना चाह रहा है कि जब मॉडरेटर का प्रेजेंस लीस्ट है तो रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट है, ऐसे ही है। जी सर, क्योंकि वैल्यू एक्सेप्टेंस से ज्यादा है। वैल्यू एक्सेप्टेंस से ज्यादा है। जब मॉडरेटर थोड़ा सा बढ़ता है प्रेजेंस उसकी तो वैल्यूज बिल्कुल सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, और जब और ज्यादा होता है तो और सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉडरेटर के बगैर आईवी और डीवी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। इस इन लाइंस पे जरा सोचो। क्योंकि जब उसकी प्रेजेंस लीस्ट है तो वैल्यूज इनसिग्निफिकेंट आ रही हैं, ऐसे हो रहा है ना। तो सर इसका यह मतलब ही हुआ ना कि लीस्ट प्रेजेंस के ऊपर मैटर नहीं करती वैल्यूज, क्योंकि नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि मॉडरेटर के ना होने की वजह से आईवी टीवी का रिलेशनशिप भी नहीं है। सर लेकिन लीस्ट है ना, जीरो तो नहीं है सर। हाँ लीस्ट है, इसका मतलब ये है ना कि लीस्ट, जब मॉडरेटर की लीस्ट प्रेजेंस है तो आईवी टीवी का रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट है। सही सर, अब मैं समझ गया सर। ओके ठीक है, बाकी लोग प्लीज इस पे क्वेश्चन करो, मुझे बताओ कि आप लोगों को भी समझ आ रही है कि नहीं। डीबीएस स्लॉट सर। जी सर, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट क्यों हुआ, और ये जो एवरेज होता है या फिर ज्यादा होता है तो वो सिग्निफिकेंट क्यों होता है? ऐसे नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि ऐसा हो, ये वैसे रिजल्ट सभी ये आ रहे हैं। लेकिन सर कोई रीजन, ये बिलावल थ्योरी है सर, बिलावल भुट्टो, ज्यादा होती है तो ज्यादा। मसला ये है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें ट्रेंड क्या मिल रहा है। पहली वैल्यूज मॉडरेटर की लीस्ट प्रेजेंस शो कर रही होती हैं, दूसरी वैल्यूज मॉडरेटर की एवरेज प्रेजेंस शो कर रही होती हैं, तीसरी वैल्यूज मॉडरेटर की फुल प्रेजेंस शो कर रही होती हैं उस सैंपल में। तो जब मॉडरेटर की प्रेजेंस मिनिमम है वैल्यूज इनसिग्निफिकेंट आ गई हैं, लेकिन जैसे ही मॉडरेटर थोड़ा सा बढ़ा है तो सिग्निफिकेंट हो गई हैं, ये अच्छी बात हो गई है। अब वैसे ही मैं एक और मॉडरेटर लगाता हूँ, हो सकता है इससे फर्क रिजल्ट आ जाए। अच्छा एक और मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ, ये जेंडर है। हम देखना चाहते हैं कि जेंडर में क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो जेंडर बिकॉज हमारे पास दो ही ऑप्शंस थी, तो ये दो ऑप्शन पे हमें दिखाएगा, इससे जरा थोड़ी सी और थोड़ा सा दिमाग डिफरेंट हो तरीके से चलेगा हमारा।
ये देखें जरा, जेंडर वन हमने मेल रखा था, टू फीमेल रखा था, इसमें जरा देख के बताएं को फर्क क्या चीज पता चल रही है। सर इससे ये पता चल रहा है कि वैल्यूज जो है सर वो सही है, क्योंकि पी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल है, और हाँ सर कि जेंडर टू के अंदर स्लाइट इंक्रीज इन इफेक्ट है कंपेयर टू जेंडर वन। दैट मीन्स जहां फीमेल्स होंगी, फीमेल्स में क्रिएटिविटी का इनोवेशन पे इंपैक्ट ज्यादा है देन मेल्स। वन मेल टू फीमेल था। सर ये कोई एक लाइन जरा सी एक्सप्लेन कर दे, मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूं आपको सर। इससे जैसे कि ये पहले। देखे ना, जेंडर के नीचे वन है और पॉइंट जी डबल जीरो डबल जीरो, इसके आगे जी इसके मतलब इस वेरिएबल के इस वैल्यू के साथ इसका इफेक्ट 0.9245 आएगा, जी ये बिल्कुल ऐसे ही। फिर नेक्स्ट राइट पे जो है 0.0513, इसका मीनिंग। ये वाला स्टैंडर्ड एरर, जी सर, ये स्टैंडर्ड एरर है, ये टी की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है, ये लोअर लेवल एंड अपर लेवल है। स्टैंडर्ड एरर एक्चुअली अभी के लिए ये रख लो कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो आपका जो कोफिशिएंट है या जो इफेक्ट है इससे बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, इसके करीब ना हो, इससे बहुत ज्यादा कम हो तो वैल्यूज ठीक है। जी सर, ये तो हमने टेस्ट लगा के ये वैल्यूज डिटरमिन किया ना, इससे आगे आगे की। जी जी सर, फिर समझ आ गई, बस ठीक है। एक्चुअली पहले इन दो चीजों पे गौर करो मॉडरेशन को समझने के लिए। ये समझ आई ना कि वन क्या है, वन रिप्रेजेंट कर रहा मेल को, जी सर, जेंडर को मतलब मेल या मेल यानी कि को, मेल टू फिलहाल। टू फीमेल को कर रहा है। क्यों हम कह रहे हैं कि ये कर रहा है, एक मिनट, वी विल गो बैक टू आर जेंडर। ये जेंडर था, इसकी हमने वैल्यूज क्या दी हैं वो देखते हैं। वन इज इक्वल टू मेल, टू इज इक्वल टू फीमेल, मेल ठीक है। जी नहीं सर, ये डिनोट कर रहा है, वन मेल को डिनोट कर रहा है, टू फीमेल को। ठीक जी जी बिल्कुल। इसको अगर हम यहां देखें तो वन मींस के मेल में ये इफेक्ट है और फीमेल्स में ये इफेक्ट। सर, इसका मतलब क्या है सर, कि जो फीमेल है इसका फुल इनोवेशन हो रही है इसमें, या एवरेज? जो फीमेल्स हैं उनमें क्रिएटिविटी का इनोवेशन के साथ रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन मेल्स। तो इसको हम फुल इनोवेशन इनोवेटेड कह सकते हैं या एवरेज? नहीं, फुल फुल देखो यहां वो उसके पास कैटेगरीज ही दो है ना, अच्छा सर, इसलिए दो में कन्वर्ट कर दिया था। या एवरेज कहेंगे हम इसको, एवरेज नहीं कहेंगे अब इसको, लिस्ट? नहीं, इसमें मेल एंड फीमेल कहेंगे, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ना। अब देखो इसको भी चलो छोड़ो, नेक्स्ट एक और देखो, मुझे किसी वेरिएबल इंटरेक्शन जो है वो पी वैल्यू तो बहुत 0.5 थी, वो तो इनसिग्निफिकेंट नहीं हो जाएगा सर, जो जेंडर वाला हमने भी किया। उसकी वैल्यू क्या थी? सर जो इंटरेक्शन वेरिएबल है सर, इसकी वैल्यू पी वैल्यू 0.5 आ रही है। हाँ, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है यहाँ के हिसाब से, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। यस तो फिर भी नीचे हम रिजल्ट उसके सिग्निफिकेंट हालांकि आ रहे हैं, तो तब भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ, अरे रिपोर्ट कर इसका सकते हैं, रिपोर्ट कर मॉडरेशन सकते हैं, इफेक्ट है। मॉडरेशन इफेक्ट शो कर रहा है ना, असल में बड़ा थोड़ा है ना मॉडरेशन इफेक्ट, इसलिए ऊपर इनसिग्निफिकेंट आया। ठीक है। चेंज बहुत थोड़ा है। जी सर अगर जी चलिए, नहीं, आप बताओ, पूछो क्वेश्चन। सर मुझे वही था इंट्रैक्शन वाले का कि उसकी पी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही थी ना, कि वो तो फिर वो मॉडरेशन इसीलिए नहीं ना, होना चाहिए। हाँ इसीलिए कि ये देखो मॉडरेशन का इफेक्ट ही बहुत थोड़ा सा है, पॉइंट जीरो सर फाइव आई थिंक कि इसमें मेनली आपने इसी टेबल को फोकस करना है, लेकिन इंट्रैक्शन का एक्चुअली कुछ राइटर्स कहते हैं कि अगर वो सिग्निफिकेंट आती है तभी आप इस टेबल को पढ़ते हैं, कुछ राइटर्स कहते हैं कि उसको इनसिग्निफिकेंट भी होता आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो दोनों में जो आपको सूट कर रहा हो फिलहाल आप उसकी इंटरप्रेशन ऐसे कर देना। सिर्फ काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, वो बहुत ब्रेक हो रही थी, समझ नहीं आई। मैंने कहा कुछ राइटर्स ये कहते हैं कि जब तक इंट्रैक्शन ठीक टर्म सिग्निफिकेंट ना हो
ये वाली, तब तक आप इस टेबल को भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कुछ राइटर्स ये कहते हैं और कुछ राइटर्स कहते हैं कि ये इतना इशू नहीं है इंटरेक्शन टर्म का एज लॉन्ग एज दिस इज फाइन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें मॉडरेशन बहुत थोड़ी शो हो रही है ना, ये देखो 0.92 से 0.97 जा रही है, इसलिए इंटरेक्शन टर्म जो है इनसिग्निफिकेंट आई है कि बहुत थोड़ी मॉडरेशन है, ज्यादा फर्क नहीं है। सर ये पॉजिटिव रिलेशन है तो पॉजिटिव में तो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते, क्या मतलब? मतलब वेरिएबल दोनों ये जो इफेक्ट दे रहा है इन्फ्लुएंस कर रहा है और दूसरा वेरिएबल ये तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सर, हाँ पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो नेगेटिव में जी ये होता है एक मूव अपसाइड कर रहा था एक डाउनसाइड कर रहा था जी तो ये तो पॉजिटिव ही है, सर। दोनों पॉजिटिव है, ठीक लेकिन पॉजिटिविटी में थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। एक और करते हैं हम, इसकी जगह एक्सपीरियंस रख के देखें कि जब लोगों का एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है तो वैल्यूज को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, इसकी भी इंट्रैक्शन टर्म जो है वो तो इनसिग्निफिकेंट है। अब ये जरा उसको इंट्रैक्शन टर्म को छोड़ दो, ये देखो जरा इसका जरा इंटरप्रिटेशन करके दो। एक्सपीरियंस इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ रहा है? सर इफेक्ट नीचे जा रहा है सर। ठीक है, गुड। बाकी लोग सर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इफेक्ट है इसका और सिग्निफिकेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जब नहीं समझ नहीं आया। जैसे जैसे लोगों का एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे आईबी और डीबी का रिलेशनशिप डिक्रीज हुआ है। जी अवैस? सर पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है सर। नहीं, दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं। हम यहाँ वापस जाते हैं, इस जगह पे आओ जरा दोबारा। हम जो पढ़ते हैं उसको दो चीजें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि इसका इफेक्ट मॉडरेटर का इफेक्ट, मॉडरेटर जो है जब इसकी प्रेजेंस कम से कम होगी आईबीडीवी का क्या रिलेशनशिप होगा, इसकी प्रेजेंस मीडियोकर होगी एवरेज होगी आईबीडीवी का क्या रिलेशनशिप होगा, इसकी प्रेजेंस मैक्सिमम होगी आईबीडीवी का क्या रिलेशनशिप होगा। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने यहां एक्सपीरियंस सोचा होगा कि यहां एक्सपीरियंस है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस यहां से इंक्रीज कर रहा है, ये देखें ये एक्सपीरियंस इंक्रीज कर रहा है। 1.73 था, 2.72 हुआ, 3.71 हो गया, एक्सपीरियंस इंक्रीज कर रहा है। एक्सपीरियंस इंक्रीज करने के साथ साथ जो आईबीडीवी का रिलेशनशिप है उसको क्या फर्क पड़ रहा है, ये पढ़ो जरा इस तरीके से। अवैस, जी सर। इस तरीके से जो बताया है उसको पढ़ के जरा सोचो। सर ये एक्सपीरियंस है, ये वैल्यू ऑफ एक्स है और ये जो इफेक्ट है ये वैल्यू ऑफ वाई है। नहीं, एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वो 1, 2, 3 में पता क्यों जी दे सर। रहा है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस को ये वैल्यू किया हुआ था, 4 तक था ना, तो उसने कहा जब इतना का एक्सपीरियंस होता है, इतना को होता है, इतना को होता है, 3 लेवल्स ही बना सकता है वो मैक्सिमम इसमें से। ये 1, 2, 3, 4 जी एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है ना ये। जी सर, ये वेरिएबल्स को डिनोट कर रहे हैं हाँ, नंबर्स। अब जब हम 1, 2, 3 के हिसाब से इसको देखते हैं तो ये एक्सपीरियंस है लोगों का,
जैसे जैसे यानी इंक्रीज कि हो रहा थ्री है। वैल्यू है एक्सपीरियंस की, पॉइंट्स एंड 169, जी, ये एक्सपीरियंस की वैल्यू है .9173 है। जी, और सर, यहाँ ये रिलेशनशिप है। हाँ जी, तो सर इसमें एक्सपीरियंस जैसे कम होता है, इफेक्ट भी उसका उसी तरह कम होता है, और ये पहली बात है। सिग्निफिकेंट है। एक्सपीरियंस को देखो तो सही, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? सर कम हो रहा है फिर दोबारा देखो ऊपर से नीचे को आते हुए। सर, कम हो रहा है एक्सपीरियंस। यस सर, कम नहीं हो रहा। ये क्या है लिखा हुआ, 1.73? अच्छा, ये 1.7 है। मैं सोच, मुझे लगा 1 है, नंबर 1। 1.73, 2.72, 3.7, 1, 2, 3, ये इंक्रीज हो रहा है ना? ओके सर, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपीरियंस इंक्रीज होने के साथ इसको क्या, रिलेशनशिप को क्या असर हो रहा है वो देखो। रिलेशनशिप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है उनका इफेक्ट कम होता है, वो लेस इनोवेटिव होते हैं। आईवी और डीवी का रिलेशनशिप पे इफेक्ट कम होता है। सर ये इलॉजिकल नहीं हुआ, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है उनका इफेक्ट कम होता है? जी इलॉजिकल तो है, लेकिन डेटा ये कह रहा है समझो। ओके सर, हाँ जी, बाकी लोग यस सर, समझ गए सर। एक और चीज एज के साथ लगा रहा हूं ताकि इंटरप्रेट करके मुझे बताओ, एज है इधर के नहीं? एज हमने ये रखी, हाँ जी ये एज है, हमने इयर्स में लिखी हुई थी। ये जरा आप इसको देख के इंटरप्रेट करो। सर इसमें यही है कि एज जिस तरह इंक्रीज हो रही है तो इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है जी सर। बाकी बचे? यस सर, ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है, इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? इफेक्ट देखो, बताओ एज, एज पहले देखो फिर इफेक्ट देखो। सर मुझे पॉइंट्स नीचे की वैल्यूज नहीं पढ़नी आती। 1, 2, 3 नहीं आती गिनती? ये देखो सही आती है, रिवर्स में नहीं आती। ये जो ये पॉइंट्स में होती मुझे, ये क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है ना एज? जी सर, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये इफेक्ट क्या हो रहा है? सर ये डिक्रीज हो रहा है। क्यों, 94 ज्यादा होता है कि 95? 95। तो फिर 94 से 95 की तरफ जाएगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? और 96 की तरफ जाएगा सर वो नेगेटिव में, क्या नाम है, अगर नेगेटिव में लिया जाए तब वो डिक्रीज होगा, अभी तो इंक्रीज हो रहा है। इसको अवैस को जरा समझाता हूँ, वो भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव। अच्छा आपके लिए मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, जो आपका मसला है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये याद रखोगे तो जिंदगी में काफी फायदा हो जाएगा। ये होता है जीरो, ये है -1,
एंड आगे -2 इस तरफ जाते जाएंगे, इस तरफ जितना जाते जाएंगे, ये है 1 और ये है 2। इसको दो हिस्सों में डिवाइड अगर कर लेना, जैसे जैसे आप माइनस की तरफ जाते जाओगे, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, वो बड़ी वैल्यू होती है। तो अभी हमारी वैल्यूज इसके दरमियान थी ना, 94.94 और ये वो, तो अभी तो ये इंक्रीज ही कर रही थी 0.94, 0.95। लेकिन अगर इस तरह आप बात करते ना, माइनस का साइन होता -0.94, एंड -0.90 फॉर एग्जांपल। अब ये 90 बड़ी वैल्यू है माइनस वाली, देन 94, क्यों? क्योंकि इधर को मूव कर रहे हो आप। जी सर, अब समझ आ गई, बस सब समझ आ गई। ठीक है, तो ये जरा कंफ्यूजन थी, हाँ, दिमाग में जरा रखो कि हम क्या, जब भी पॉजिटिव साइन होगा तो फिर तो हम इसी तरफ मूव कर रहे हैं सीधा सीधा, नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब है कि इधर को मूव करना, कम वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं। ये उधार है और ये आपके पास पैसे हैं, नेगेटिव की तरफ है सर ना, नेगेटिव तो फिर जब ज्यादा होता है तो उधार। जी, एक और ऐसे ही कोई इधर से मैं पकड़ के IN6 लगा देता हूँ, इसको जरा देख लें और फिर हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इसको देखो जरा, इसमें क्या ट्रेंड शो हो रहा है। सर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है सर, जैसे जैसे ING इंक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट कम हो रहा है और वैल्यू सिग्निफिकेंस आ रही है। बाकी बचे डिक्रीज हो रहा है, इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। जी सर, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ IN6 इंक्रीज हो रही है, इफेक्ट क्या हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें गौर से जरा देखना कि हर टेबल की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, बिकॉज आप थीसिस लिख रहे होगे तो आपने हर टेबल को लाजमी प्रेजेंट करना है थीसिस में। ये क्योंकि पेपर है तो पेपर में वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट टेबल्स आए, बाकी टेबल्स की सिर्फ इंटरप्रिटेशन आ जाए। तो थोड़ा सा जरा ये हाइलाइटेड एरिया को पढ़ो, ये आपका जो टेबल होगा ना डेमोग्राफिक्स का, उसकी एक्सप्लेनेशन है। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, इससे मजीद डिटेल भी बता सकते हो और इस तरह भी बता सकते हो। उसको जरा एक दफा पढ़ो कि किस तरीके से बताया हुआ है।
हाँ जी, तो समझ आ रही है? उसके बाद इसको छोड़ते हैं। इसको अभी आप फिलहाल इन इनको छोड़ दो, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन को, या स्टैंडर्ड डिविएशन मीन की जो लिखी हुई है ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको जरा देखो। इस टेबल ऑल्दो हम दो अलहदा टेबल बनाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का लैदा और कोरिलेशंस का लैदा, यहाँ इकट्ठे बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये देखो कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशंस करते हैं हम। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स का भी कोरिलेशन करेंगे ना एनालाइज? जी, हम सारे के सारे वेरिएबल्स का करेंगे, क्योंकि कोरिलेशन में वैल्यू और ट्रेंड एक पता चल जाता है ना। सही। अब ये यहाँ जो नोट करने वाली चीज है वो ये देखें कि आपने ब्रैकेट में ये चीजें लगानी है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने वैल्यूज देनी है, और एक वैल्यू के बाद कॉमे के बाद मीन इज इक्वल टू इतना, कॉमा स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू इतना। इसी तरह हमने मीन स्टैंडर्ड डिविएशन इसका भी ऐसे किया और मीन स्टैंडर्ड डिविएशन इसका भी ऐसे किया। ये चीज जरा इस तरीके से आपने मेंशन करनी है अपने पेपर्स में, उसमें थीसिस में। अब जरा कोरिलेशन की वैल्यू देखो किस तरह दी हुई है। एक हमने ये टेबल बना दिया और ये वैल्यूज आ गई ना, नेगेटिव पॉजिटिव। ये एक स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरी पढ़ो, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर आर इसका जो स्मॉल आर है लोअर केस वाला, ये सिंबल है कोरिलेशन का। पी जो है ये सिंबल है सिग्निफिकेंस का, और हमने कह दिया The correlation results showed the relationship of different variables. It is found that there is a moderate negative correlation between the formalization and creativity. This means when organizations increase the implementation of rules and regulations in terms of formalization, the employee creativity is stifled. ये मैंने एक relationship का values भी दे दी, उसका meaning भी बता दिया। फिर आपके पास नेक्स्ट कोरिलेशन आ गई, इसको भी इसी तरह बताया, दिस मींस कि ये इस तरीके से ये काम होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ टू साइट, ये ब्रैकेट मिस हुई हुई है, यहां ब्रैकेट होनी चाहिए एंड में। उसे पॉइंट से पहले जीरो नहीं लगाना हमें? हाँ, पॉइंट से पहले जीरो लगा दो अच्छी बात है, नहीं लगाना तब भी ठीक है, लगा दो बेहतर है। ठीक है सर, आप लगा दो। असल में ये तो बिकॉज जर्नल में छपा हुआ है ना, तो हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है।
वो कुछ चीजें आपको अलाउ करते हैं कुछ नहीं करते, इस वजह से मैंने नहीं लगाया हुआ इसमें जी। ठीक है सर। तो इस तरीके से आपने कोरिलेशन को अपना इंटरप्रेट कर देना होता है, मीन स्टैंड डिविएशन को वैसे इंटरप्रेट कर देना होता है। अभी मैं आपको अल्फा वगैरह का भी, हाँ अल्फा का मैंने आपको चेक नहीं करवाया, ये देखें इंस्ट्रूमेंट में होगा, ये देखें जरा इसको, इसको मेजरमेंट वाले को भी थोड़ा सा पढ़े। अल्फा को लिखते वक्त देखें कि किस तरीके से ब्रैकेट में यूज किया, और अल्फा को खाली ए नहीं लिखना, अल्फा ही लिखना पड़ता है जिस तरह मैंने आपको सिंबल्स का बताया था वर्ड में। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने कह दिया जी क्वेश्चनर के टू पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट ये था, फाइव पॉइंट लिकर्ट स्केल पे हमने मेजर किया है, ये उनका मतलब है। नाउ द फॉर्मलाइजेशन स्केल, उसका साथ ही अल्फा बता दिया, क्रॉनबैक्स अल्फा इज मेजर्ड विद द सेवन आइटम स्केल यूज्ड बाय, ये मैंने रेफरेंस दे दिया, द एम्प्लॉय क्रिएटिविटी स्केल वॉज यूज बाय दिस पर्सन एंड ये वो, साथ उनके अल्फाज लिखती हैं। अच्छा जी, कोरिलेशन आपने देख ली है, अब ये आ गया सिंपल जो रिग्रेशन के रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से लिखे हुए हैं, इनको भी जरा एक दफा पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। स्पेशली ये चीज जरा गौर से देखना कि ये कैसे लिखी हुई है, आर स्क्वायर भी लिख दिया है, एफ भी लिख दिया है, पी भी लिख दिया है इसका। इसके बाद ये आ गया बीटा के रिजल्ट्स और ये आ गया टी के रिजल्ट्स। तो ये एक हाइपोथेसिस के लिए ये चीज लिखे हुए हैं, ये इसको जरा गौर से पढ़ो।
अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं सबसे पहले आर स्क्वायर को इंटरप्रेट कर दिया कि 7% वेरिएशन इन एम्प्लॉय क्रिएटिविटी इज कॉज्ड बाय फॉर्मलाइजेशन। फिर द रिजल्ट ऑफ द एफ स्टैटिस्टिक्स आल्सो शोड दैट मॉडल इज फिट फॉर रिग्रेशन एंड द रिजल्ट्स ऑफ बीटा इंडिकेटेड दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी। इट शोड दैट विद वन यूनिट इंक्रीज इन फॉर्मलाइजेशन देयर इज अ 0.3 यूनिट in decrease in creativity. Then the results of the t-test showed an ample evidence for the support of first hypothesis. ye maine bata diya ye hai, therefore the first hypothesis is accepted. isi tarah dusre hypothesis ke ye results hain, isme bhi r square hai, f hai, बीटा है, टी है, और ऐसे ही हमारे पास थर्ड हाइपोथेसिस के भी रिजल्ट्स हैं। इसमें जरा मुझे कोई क्वेश्चन, कोई चीज ऐसी बताएं। देखो हर चीज ब्रैकेट में है, बड़ा क्लियर है, दो वैल्यूज के दरमियान कॉमा है, सर जी सर बहुत ज्यादा होगी सर। क्या सर? पढ़ाई सर, सर के ऊपर से निकल ले सर। कोई बात नहीं, ऊपर हाथ रख लो सर के। मसला ये कि ये खत्म होगा, मैं आपको इसलिए ज्यादा इस पे एम्फसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं आपको सैंपल भिजवा दूंगा, लेकिन आपने इस तरीके से इंटरप्रिटेशंस इसकी लिखनी है डेटा जब एनालिसिस कर लेते हो। सर एक क्वेश्चन था, सेकेंडरी डाटा में पी की वैल्यू अगर ज्यादा आ जाए, इनसिग्निफिकेंट हो, तो उसे किस तरह इंटरप्रेट करेंगे सर? अच्छा, उसमें एक चीज जरा ये भी ध्यान में रखना, सेकेंडरी डाटा के लिए हमने पॉइंट रखा है ना 0.05 से कम होनी चाहिए। जी सर, आप भी यही ध्यान में रखो, लेकिन आपको फॉर द सेफ साइड वैसे बता रहा हूं, कुछ स्टडीज ने इस वैल्यू को 0.10 पे भी रखा होता है, मतलब कि 10% खराब आता है, एरर आता, मतलब इशू आता भी है, तो कोई नहीं, 90% कॉन्फिडेंट पे भी कुछ लोग रिजल्ट्स ले रहे होते हैं, बट बिकॉज आप पाकिस्तान में थीसिस कर रहे हो तो आपने 0.5 पे ही रखना है। अब जैसे हम ये लिख रहे हैं ना, ये टी वैल्यू, और लिख रहे हैं पी इज लेस देन 0.05, आप यहां कर दोगे पी इज ग्रेटर देन 0.05 एंड साथ लिख दोगे देयरफॉर इट इज इनसिग्निफिकेंट एंड यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। ठीक है सर, और फिर नल हाइपोथेसिस वो अल्टरनेटिव, अगर आपने नल रखा हुआ है तो फिर नल को एक्सेप्ट कर लेंगे, व्हिच मींस अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर सर नल ना लिखा हो तब भी फिर वो अल्टरनेट सिर्फ रिजेक्ट लिख लेंगे? हाँ, फिर अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। अब इसमें थोड़ा सा मीडिएशन का लास्ट में आपको बता देता हूं, ये मीडिएशन का हमने टेबल बनाया हुआ है, इस तरीके से आप अपना मीडिएशन का टेबल बना लो। ये क्या है? टोटल इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट। ये डायरेक्ट इफेक्ट आ गया, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गया, टोटल इफेक्ट आ गया। ये वैसे सोबल टेस्ट लगाया हुआ है, ये आपने लगाना है, ठीक है, नहीं लगाना, इसका कोई इशू नहीं है। इसको लिखने का जरा एक दफा ये जरा गौर से पढ़ो, ये जरा टेक्स्ट पढ़ें और देखें कि किस तरीके से मीडिएशन लिखी हुई है।
अब इसमें अगर आप देख रहे हो तो पहले हमने ये वैसे एक्सप्लेनेशन दे दी है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि यहां से द टोटल इफेक्ट ऑफ द फॉर्मलाइजेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन इज दिस, दिस शोज दैट विद द इंक्रीज ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन विल डिक्रीज, नेगेटिव है ना। फिर हमने कहा कि जो इसका डायरेक्ट इफेक्ट है वो भी है, डायरेक्ट इफेक्ट भी इतना है और ये सिग्निफिकेंट है। फाइनली द इनडायरेक्ट इफेक्ट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये इन्फ्लुएंस हो रहा है। द डायरेक्ट इफेक्ट इज ऑल्सो वैलिडेटेड बाय द नॉर्मल थ्योरी टेस्ट, इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस हाइपोथेसिस को। जिस तरह मैंने आपको इंटरप्रिटेशन समझाई हुई है जो हमने टेबल से देखा था उसी तरह आपने लिखना है, बट द मेन आइडिया इज कि व्हेनेवर यू वांट टू राइट स्टैटिस्टिक्स इन टेक्स्ट तो वो इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे एंड माइनस प्लस के साइन एंड कॉमास एंड हर जगह पे ये चीजें इस तरीके से चलेंगी। यहां तक थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, क्योंकि जब आप ये लिखोगे तभी आपको सही क्लैरिटी आएगी। यहां तक कोई चीज आया तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आपको आपका डेटा की तरफ और बाकी चीजों की तरफ आऊंगा। लिखने में कोई मसला या फिलहाल देखने में कोई चीज ऐसा हो जो क्वेश्चन करना हो आपने? सर मॉडरेटिंग का बता दें सर, उसमें कंडीशनल इफेक्ट और होता है उसे कैसे राइट करेंगे? इमीडिएटिंग का हो गया था, इमीडिएटिंग का हो गया, मैं आपको मॉडरेटिंग का मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें जरा, ये आपका डेमोग्राफिक का टेबल आ गया, ये वाला मेल फीमेल आ गए, हमने ऐसे इंटरप्रेट कर दिया। क्रोसिस क्यों ना अभी आपको दिखाता हूं, फिर आगे चलते हैं। मॉडरेशन बेस में हुई हुई है, ये क्रॉनबैक अल्फा का टेबल जो हमने मैंने आपको कहा था बनाना है जिस तरीके से, ये वो आ गया। टॉसिस हुई है रिपोर्ट, इसको जरा एक दफा देखें, देखें इसमें कोरिलेशन का अलहदा टेबल बना है, स्क्यूनस कटोसिस का अलहदा बना है, आपने अलहदा अलहदा ही बनाने हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो आपको ये कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन है, उसी तरह ये देखें यहां भी आर सॉरी मीडिएशन की आ गई, ये मॉडरेशन की आ गई, ये मॉडरेशन के टेबल देखो जरा कैसे बने हुए। ये लीस्ट इफेक्ट, इसमें जरा मुझे बताओ क्या ट्रेंड शो हो रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, जी इसमें जरा ट्रेंड देखो, इसमें देखो अब इंट्रैक्शन जो है इनसिग्निफिकेंट आ गई थी, हाँ जी ट्रेंड बताओ जरा क्या हो रहा है इसमें,
लीस्ट इफेक्ट पे एवरेज और वो इंक्रीज हो रहा है जी सर, इंक्रीज हो रहा है लेकिन बड़ा माइनर इंक्रीज है ना स्टिल जी। इस तरीके से हो गया। अब इसको अगर आप देखो इंटरप्रिटेशन, ये शायद रिजेक्ट हुआ हुआ हाइपोथेसिस, ये देखो इंटरप्रिटेशन। ये देखें हम कह रहे हैं कि इंट्रैक्शन टर्म का पहले बता दिया, फिर हम ये बता रहे हैं द वैल्यूज ऑफ बीटा लीस्ट इफेक्ट पे क्या है, एवरेज इफेक्ट पे क्या है, एंड देन मैक्सिमम इफेक्ट पे क्या है। हम कह रहे हैं ऑल्दो देयर इज अ चेंज बट इतना चेंज सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप टेबल बनाओगे और टेबल बना के लीस्ट इफेक्ट एवरेज इफेक्ट एंड मैक्सिमम इफेक्ट का टेबल बना के इससे आप इसकी वैल्यूज गेन कर लो।